जय श्री राम, जय भवानी। दोस्तों दोस्तों, तथा कथित नवबौद्ध और अंबेडकरवादी लोग ये हमेशा दोगलेपंती की बात करते हैं, ऐसा मैं बताता आया हूं और आप लोग भी देखते आए होंगे। मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन इनके दोहरे चरित्र के बारे में बता रहा हूं। अभी इनके मालिक, इनके आका भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण की कुछ फोटोज सामने आई है। उन फोटोज को देखने के बाद में तो इनका चरित्र बिल्कुल उजागर हो जाता है। ये अक्सर करके आपने देखा होगा कि बहुत सारे महापुरुषों को पूजने की बात करते हैं, उनके सिद्धांतों पर चलने की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये उनके सिद्धांतों पर चलते ही नहीं है। क्यों नहीं चलते हैं? देखिए, ये भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, उनके सिद्धांतों को बिल्कुल नहीं मानते। उनको ही ये पूजते हैं, उनको ही भगवान बना दिया। ऐसे बहुत सारे इनके महापुरुष हैं जिनको ये पूजते हैं, उनके सिद्धांतों पर चलने की बात करते हैं, पर बिल्कुल गलत है, नहीं चलते। आगे एक एक करके इनको बिल्कुल मैं एक्सपोज करूंगा, आप देखते रहिए। अभी फिलहाल हम आते हैं चंद्रशेखर रावण पर। दोस्तों आप भी जानते हैं और यहां तक सभी लोग जानते हैं कि ये लोग भगवान श्री राम को काल्पनिक मानते हैं। इनका कहना होता है कि भगवान राम तो थे ही नहीं, वो तो कोरी कल्पना है। यहीं पर इनकी पोल खुल जाती है, इनका दोगला चरित्र सामने आ जाता है। यहां पर आप चंद्रशेखर रावण की फोटो देखिए, ये महर्षि वाल्मीकि जी की पूजा कर रहे हैं, उनको पूज रहे हैं। अरे मेरे भाई, जब तुम भगवान राम को मानते ही नहीं तो वाल्मीकि जी को क्यों मान रहे हो? आप एक तरफ उनको पूज रहे हो और दूसरी तरफ उन्हीं के आराध्य प्रभु श्री राम को नकारते हो और उनको गाली गलौज करते हो। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक तरफ आप भगवान श्री राम के बारे में अनाप शनाप बातें करते हो और दूसरी तरफ उनकी जो रामायण लिखी श्री वाल्मीकि जी, उनको आप पूज रहे हो, तो समझ में नहीं आ पा रहा। दोस्तों आज हम इनके दो महापुरुषों की तुलना करेंगे, एक तरफ महर्षि वाल्मीकि जी और एक तरफ अंबेडकर। अंबेडकर ने अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में हिंदू देवी देवताओं भगवानों को सिरे से नकार दिया था और उन्होंने प्रतिज्ञा खाई थी कि वो इनको नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ महर्षि वाल्मीकि जी, इन्होंने रामायण को लिखा, प्रभु श्री राम के पूरे जीवन गाथा को लिखा और महर्षि वाल्मीकि जी भगवान राम को अपना आराध्य मानते थे। अब यहां पर इनका दोगला चरित्र देखिए, वाल्मीकि जी को मानते हैं लेकिन उनके आराध्य प्रभु श्री राम को नहीं मानते। अंबेडकर को मानते हैं लेकिन उनकी 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं मानते। आप देखिए इनका दोगला चरित्र आप लोगों के सामने है। दोस्तों इनके दोहरे चरित्र की पोल खोलने के लिए आगे मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और उस सीरीज को देख करके आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। आप भी कहेंगे कि ये लोग तो बड़े दोगले हैं। भीमराव अंबेडकर के द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका हिंदी अनुवाद है सूत्रों की खोज। उस पुस्तक में जो विचार बाबा साहेब के लिखे हैं उनको जब आप पढ़ेंगे और इन तथाकथित नवबौद्ध अंबेडकर वादियों के विचारों को सुनेंगे तो कहीं पर भी आपको समानता नहीं मिलेगी। ये लोग कुछ कहते हैं, बाबा साहेब की किताब और कुछ कहती है, तो आपको इनका दोगला चरित्र बिल्कुल दिखाऊंगा, आप देखते जाइए। चल मिलते हैं नई वीडियो में। जय श्री राम, जय मां भवानी।